बिस्किट तो चला। बस अब उधर से घुमा ला, इधर से घुमा दे। तो भाई वेलकम बैक टू नवीश यादव चैनल अगेन। तो भाई कादीपुर के पार्क में खड़े हैं गुड़गांव के अंदर। तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे आए थे तो मैंग साथ में आया था, तो मैंग ने बोला कि ये साइकिल काफ़ी अच्छी है, तो मैंने सोचा हीरो की जो स्प्रिंग वेरियंट है इसका मैं एक ब्लॉग बना देता हूँ और रिव्यू कर लेता हूँ। तो इसका अपन रिव्यू करेंगे, वीडियो के एंड तक आप बने रहना और जो भाई नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब इसके रिव्यू पे बात आते हैं। हेलो मैम, क्या हाल है आपके? अच्छे हैं। तो आप मुझे ये बताओ, जो आपने साइकिल ली थी ये कब ली थी? 12 फरवरी 2022 के अंदर, मतलब एक महीने। भाई मैंग ने रिसेंटली साइकिल ली थी तो मैंने सोचा इसका रिव्यू किया जाए। हीरो का ये स्प्रिंग मॉडल है तो इसमें अपन बेसिकली क्या क्या मिल जाता है थोड़ा मैंग बताएगा फिर मैं बताऊँ। तो मैंग आप बताओ साइड देख के। इसके अंदर 21 गियर मिल जाते हैं, आगे शॉकर है, इसमें सिंगल सीट है और इसके टायर 47.5 इंचेस के इसके टायर है, ट्यूबलेस दोनों। और आगे पीछे डिस्प्ले है। आगे पीछे डिस्प्ले। भाई मैंग बोल रहा है इसके अंदर ये गियर वाली वेरिएंट मिल जाता है इसके अंदर। लुकिंग की वजह से साइकिल ली थी मैंग ने, बिकॉज इसके अंदर ब्लैक और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि एक राइट साइड में गियर मिल जाता है, एक लेफ्ट साइड मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आगे का और आगे का मतलब यूँ मान के चलो आगे जो है वो 3 का मिल जाता है और पीछे है वो 7 का मिल जाता है। तो अपन इसको अप डाउन करेंगे तो 21 गियर्स की साइकिल हो जाती है अपनी। ट्यूबलेस इसके अंदर अपन टायर मिल जाते हैं। बात करें टायर्स के अंदर जो इन्होंने ये दिए ये भी थोड़े काफ़ी अच्छी लुकिंग के अंदर है। और डिस्क ब्रेक मिल जाता है आगे पीछे, सिंगल शॉकर की साइकिल है, आगे इसमें शॉकर है, बीच में शॉकर नहीं है। एक इसके अंदर अपन को बोतल कप होल्डर मिल जाता है बोतल रखने के लिए। बाकी मडगार्ड भी दोनों की बात करें काफ़ी अच्छी लुकिंग है, एडजस्टेबल मडगार्ड है और सीट भी अपन को मिल जाती है। चलाने के अंदर भी काफ़ी ये कम्फर्टेबल है, मैंने भी अभी इसको चलाई थी। अपन मॉडल्स अपन वेरियंट को कंपेयर करते हैं तो ये जो कि मॉडल था काफ़ी अच्छा था, मेरे पास भी साइकिल है तो उससे अभी काफ़ी मतलब बेहतर मॉडल है। और मैंग ने साइकिल ये क्यों ली? मैंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ने जो ली है, खुद ट्यूशन जाते हैं, खुद ट्यूशन हमें साइकिल से आते हैं और शायद स्कूल भी ये जाते हैं। आप स्कूल भी जाते हो ना? स्कूल से साइकिल से अप डाउन करते हैं और मॉर्निंग के अंदर पार्क के अंदर ये अपनी साइकिलिंग करने जाते थे। अरावली हिल्स है वहाँ पर भी ये हर संडे जाते हैं साइकिल लेके अपनी फैमिली के साथ। तो भाई साइकिल काफ़ी मतलब वो थी। तो अभी इसका एक राउंड मैं कार्टिनल स्टैंड से मिल जाता है, हाइट ठीक है, सीट के अकॉर्डिंग हाइट की बात करें तो। और भाई आगे भी डिस्क मिल जाता है, पीछे भी डिस्क मिल जाता है। जो हैंडल है इसका ये भी मतलब ठीक है साइज़ के अंदर, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो अब इसको थोड़ा अपन राउंड मार के देखते हैं। भाई बहुत ईजी साइकिल चलती है। भाई साइकिल की बात करें साइकिल एकदम ईजी चल रही है, फर्स्ट गियर के अंदर है, मतलब इसमें कोई भी जोर नहीं आ रहा है। वैसे गियर वाली साइकिल है किसी में नहीं आता, लेकिन जो स्मूथनेस है इसकी, स्मूथनेस पे इसके जो भाई दिल आया ना वो मैंग का इसके स्मूथनेस पे ही दिल आया था। बाकी इसने काफ़ी वेरियंट देखी था आप देख सकते हो। टायर्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी लुकिंग मिल जाती है जो एक रखा है। और इसके अंदर एक मोटे टायर का वेरियंट भी था, तो मोटे टायर जो फैट साइकिल बोलते हैं अपन उसको, तो वो आपने क्यों चूज़ नहीं की? थोड़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, ऐसे संभलती नहीं और ये से अच्छे से संभल भी जाती है। भाई मैंग का कहना है वो थोड़ी ज़्यादा भारी हो जाती है। हाँ भाई ऑब्वियसली अभी इसकी एज भी इतनी नहीं है, एज भी कम है और हाइट की ग्रोथ भी कम है, तो हाइट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए साइकिल ली है। फैट साइकिल आती है तो बैलेंसिंग में कम रहता है, इसका बैलेंस बहुत ही अच्छा है, मतलब चलने में भी स्मूथ है और जो इसका बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा है। साइकिल की प्राइस की बात करें प्राइस भी ठीक है, बढ़िया ऑफर है। 17,000 का ऑफर था बट डिस्काउंट में 13,000 में इन्होंने ले ली थी लास्ट मंथ। फाइनली साइकिल का रिव्यू कर दिया गया, हीरो की स्प्रिंट वेरियंट ये है, लुकिंग में शानदार है। इसके अपन को 21 गियर मिल जाते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक रिंग मिल जाती है, आगे एक LED मिल जाती है जो कि लुकिंग के अंदर है, बाकी जलती नहीं है। और बाकी मॉडल देखा जाए मॉडल एकदम बढ़िया है, मैंने इसको चला के भी देखा था, एकदम स्मूथनेस से चलती है, बैलेंसिंग इसकी अच्छी है। मोटे टायर वाली इसने नहीं ली भाई, थोड़ी भारी पड़ती है, अभी ये बच्चा ही है और हाइट ग्रोथ हो इसकी, इसलिए हाइट की ग्रोथ के चक्कर में इसने ये साइकिल ली है जो कि कम्फर्टेबल है, ट्यूशन पर जाते हैं। तो भाई जिसकी एज है 10 to 15 years तो ये साइकिल उसके लिए बेस्ट है। हीरो के अगर किसी का है लेने का तो साइकिल ये उसके लिए वर्थ है। 1000 के अंदर और आप क्या लोगे यार? आपको गियर वाली मिल रही है, डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं और बात करें तो मडगार्ड की ये देखो आप, टायर्स भी इसमें 21 कितने इंच के हैं, 27.5 इंच के इसके अंदर टायर्स हैं। तो भाई लुकिंग में काफ़ी अच्छी है, तो किसी का प्लान हो तो हीरो वेरिएंट अगर कोई देख रहा हो तो स्प्रिंट वेरिएंट के अंदर ये जा सकता है। तो भाई इसका रिव्यू इधर ही ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके बताना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो भी हीरो वेरिएंट के अंदर जाए तो ये ले सके या ना ले सके। और भाई लाइक करना ठोक के, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी मेरे गुड़गांव के ब्लॉग हैं, दिल्ली के ब्लॉग हैं,
सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। शिकातीपुर पार्क है, बीच के अंदर अपन को मिल जाता है पानी और आसपास बतख भी मिल जाते हैं। भाई वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस है, तो यही मैंने बना दिया था। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे हम, तो मैंने सोचा साइकिल का रिव्यू किया जाए। काफ़ी अच्छी साइकिल लगी, हीरो का भाई साइकिल है ये। तो लाइक करें, शेयर करें, बाय।